हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि अब यहाँ पर हम एनटीए नेट दिसंबर 2019 कॉमर्स की यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पहले के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट that reflects the relative position of funds of the company over a two period horizon and enables analysis of the sources and uses of the fund for a particular period of the time। यानी कि fund flow statement एक ऐसा statement है जो क्या करता है, एक fixed period के लिए जो हमारे sources of fund है और uses of fund दोनों को analysis करता है। यानी कि कौन कौन से हमारे sources हैं fund के, यानी कि जिससे हमारे पास fund आएगा वो कौन से सोर्स हैं और कौन कौन से सोर्सों पे हमें उस फंड को खर्च करना है, ये सब चीज डिटरमाइन किया जाता है इसके अंदर, सॉरी फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। फिर बात करते हैं आगे। ए फंड फ्लो स्टेटमेंट हाइलाइट्स अबाउट वेयर द फंड्स हैव बीन जनरेटेड एंड टू हैव इट हैज बीन पुट फॉर यूज। ये वही कह रहा है कि कहाँ पे से जब फंड को हम जनरेट कर सकते हैं और कहाँ पे हम फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ द फंड। ये किस नाम से और जाना जाता है? ये सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड के नाम से भी जाने जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं द इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर फॉर कैश। ओनली फ्रेश इश्यू टू बी कंसिडर्ड एज द इनफ्लो एंड नॉट द कैश वेयर बोनस शेयर्स आर इश्यूड एज दे डू नॉट जनरेटेड एनी फ्रेश इनफ्लो। यानी कि इश्यू ऑफ शेयर डिबेंचर फॉर कैश भी हमारा क्या है, एक हमारा सोर्सेज ऑफ फंड है जहां से हमें फंड प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है सेल ऑफ एसेट्स। यानी कि कोई एसेट्स हमारे पास, उसको हम सेल कर रहे हैं तो उसके उससे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास मनी आएगी। यानी कि मनी हमारे लिए क्या है, हमारे पास मनी जो है हमारे लिए करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स हमारे पास आएगा तो क्या हो जाता है, वो इनफ्लो हो जाता है। यानी कि हमारे पास जो चीज आ रही है वो हो जाएगी इनफ्लो और हमारे पास से जो चीज जा रही है उसको कैश जो जा रहा है वो हो जाएगा आउटफ्लो। तो सेल ऑफ एसेट्स भी क्या है, हमारा इनफ्लो है एक टाइप से। लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि लोन हमारे क्या है, लाइबिलिटीज है वैसे, लेकिन जब लोन हम लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, बैंक से पैसा मिलता है। ठीक है, वो पैसे को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई एप्लीकेशन का काम है, कुछ भी काम है, वहां पे हम उस फंड को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा लॉन्ग टर्म लोन भी हमारा एक टाइप क्या होता है, हमारा यू नो इनफ्लो ऑफ फंड। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ये डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल भी हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन सोर्सेज ऑफ फंड होता है। कैसे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कैसे होता है, क्योंकि जैसे आप देखिए डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कब होता है, जब हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज बढ़ जाती है ना। लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा तो ये किसके अंतर्गत आता है हमारे, बताओ किसके अंतर्गत आता है, हमारे आता है इनफ्लो यानी कि सोर्सेज ऑफ फंड के अंदर। ठीक है, यहां से हमें फंड प्राप्त होता है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। उसके बाद है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि दिस रिप्रेजेंट फंड्स जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द फर्म एंड एक्सक्लूड फंड्स जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। यानी कि जो जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, जैसे फैक्ट्री है, यू नो वेजेस से है, जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो जहां पर हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जितने भी हमारे फंड जनरेट होते हैं वो हमारे लिए क्या है, फंड का सोर्स है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, यहां तक क्लियर है, अब आगे बात करते हैं द एप्लीकेशन ऑफ द फंड। एप्लीकेशन, अब हमें सोर्स के द्वारा फंड तो प्राप्त हो चुका है लेकिन अब हमें उसको खर्च भी करना है, तो वो क्या होता है हमारा, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। यानी कि कहाँ कहाँ पे हम उस फंड को खर्च करेंगे, उसका यूज करेंगे। तो रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, यानी कि प्रीमियम इफ एनी पेड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द आउटफ्लो। यानी कि एप्लीकेशन ऑफ द फंड होता है हमारे पास से जो मनी बाहर को जाती है, यानी कि जो आउटफ्लो होता है उसको बोलते हैं हम क्या, एप्लीकेशन ऑफ फंड।
तो इसमें सबसे पहले आता है रिडेम्पशन ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर। आप सभी को पता है रिडेम्पशन में फंड हमारे पास से जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट लैंड एंड बिल्डिंग है, कोई इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी है, ये सब जब हम परचेज करते हैं हमारे पास से क्या जाता है, कैश जाता है बाहर। किसी जिससे हम खरीदेंगे उसको हमें कैश देना पड़ेगा, तो साफ सी बात है हमारे पास से क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है कैश का। आउटफ्लो जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम एप्लीकेशन ऑफ फंड बोलते हैं। फिर रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, पिछले हमने सोर्सेज ऑफ फंड में क्या लिया था, लोन लिया था बैंक से, लेकिन उसका पेमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, दैट इज योर लाइबिलिटी। तो उसके बाद रिपेमेंट, उस लोन का जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारे पास से फंड जाएगा, तो फंड क्या कहलाएगा, आउटफ्लो कहलाएगा। आउटफ्लो फंड है तो क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड। फिर क्या है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वहां पे क्या था, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल था, यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ऑलवेज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन ऑफ फंड। उसके बाद है डिविडेंड टैक्स पेमेंट, यानी कि हमें जब हम किसी शेयर्स इश्यू करते हैं तो हमें उसमें क्या पड़ना, डिविडेंड भी देना पड़ता है, और हमें कोई इनकम होती है तो उस पर क्या पड़ता है, टैक्स भी पड़ता है। तो ये सब चीजें जब पेमेंट किया जाता है, जो भी पेमेंट किया जाता है वो क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ द कैश होता है, और ये क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। अब हम आगे बात करते हैं, ये हमारा जो है एक चेंजेज, ये चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मेट है, यानी कि कैश फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें ये कंपेयर करना पड़ता है। दो जैसे दो ईयर का हमें ले लिया, 2007-08 का यहाँ पे लिया हुआ है, सबसे पहले करंट एसेट्स को कंपेयर करेंगे, कैश बैलेंस जैसे 56,000 था अभी 78,000 हो गया, तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ है, 22,000 हुआ है। ऐसी बिल्स रिसीवेबल है, 5,75,000 था 2017 में, अभी 2008 में कितना हो गया है, 8,25,000, यानी कि 2,50,000 क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ऐसे ही आप और भी देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमें पहले बनाना पड़ता है, किससे पहले, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास आउटफ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है, यानी कि हमारी जो एसेट्स है वो बढ़ रही है, एसेट्स या लाइबिलिटी जो बढ़ रही है या घट रही है, इसको बोलते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल फॉर्मेट, शेड्यूल स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल फॉर द पीरियड। यहाँ पे पीरियड आ जाएगा कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक, और यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, हमारा वर्किंग कैपिटल क्या होता है, हमारा करंट एसेट्स में से जब करंट लाइबिलिटीज को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा वर्किंग कैपिटल निकल आता है। यहाँ पे देखिए ए माइनस बी, हमारा ए कहाँ तक है, यहाँ तक हमारा ए है, यहाँ से करंट लाइबिलिटीज हमारी बी हो गई, तो यहाँ पे ए माइनस बी कर दिया तो हमारा ये टोटल क्या आ गया, ये हमारा आ गया वर्किंग कैपिटल। उसके बाद नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल, यानी कि वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज हुआ वो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। नीचे अगर बड़ा है तो यहाँ आ जाएगा, घटा है तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कैश, जो हमारा फंड फ्लो का फॉर्मेट है उसकी बात करते हैं। फंड फ्लो का फॉर्मेट जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा, यहाँ पे दो टाइप से दिया गया है। एक तो हमारा फर्स्ट है सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड में फंड्स फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और टोटल सोर्सेज यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद उस फंड का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किया गया है, लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, पेमेंट ऑफ द टैक्स, परचेज ऑफ द फिक्स्ड एसेट, पेमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म लॉस, रिडेम्पशन ऑफ द शेयर्स और रिडेम्पशन ऑफ द प्रिफरेंस शेयर, ये सारा हमारे किसमें आता है, एप्लीकेशन ऑफ द फंड में आता है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फंड सीधी सीधी बात है, जहां से हमारे पास कैश आता है, फंड आता है, और एप्लीकेशन ऑफ फंड जहां जहां पे हम उसको खर्च करते हैं। तो उसके बाद इसमें से एप्लीकेशन सोर्सेज ऑफ फंड में से एप्लीकेशन ऑफ फंड माइनस कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल फंड फ्लो यानी कि आउटफ्लो या इनफ्लो यहाँ पे दिखाई देगा। नीचे एक फंड फ्लो का स्टेटमेंट आपको फिर से दिख रहा है, यहाँ पे दो चीजें क्लियर की गई है, सोर्सेज ऑफ फंड क्या क्या होती हैं और एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या क्या होती है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में दिए हुए हैं। तो आई होप कि मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर क्लियर होगा, ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू सो मच।